बांटने होंगे लम्हा लम्हा अब बिताने वक्त के पर काटने होंगे एक जजीरा छुप सा गया तुम सारा दिन बाहर क्या करती रहती हो? क्या मतलब बाहर क्या करती हो? बात कहां तक पहुंची? क्या कहती है हीरोइन? क्या कहना है बेचारी ने? वो तो तैयार है हीरोइन बनने के लिए। एक बार उनको हाँ तो करने दें, फिर तो हर बात हमारी ही मानी जाएगी। क्यों, गलत कह रहा हूँ मैं? आप करें ना मामू से बात। पता नहीं अब्बा क्यों बात बात पे नाराज हो जाते हैं। खूब जानता हूँ मैं तुम्हारी पढ़ाई को, कहता हूँ सुधर जाओ वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। यहाँ रहने के साथ साथ अगर यहाँ के असूल रख रखाव और तहजीब को अपना लिया जाए तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? ऐसा ही है हसन, मैंने तो सब अपना लिया है, बस वो अम्मा जान है ना। सिद्रा और राशिद की रगों में मेरे खानदान का लहू है। हुमा तुम, क्या हुमा तुम? जितना हक तुम्हारा अब्बू के पैसों पर है उतना ही हम सबका भी है। और वैसे भी मेरे कॉलेज में फैंसी ड्रेस शो है और मुझे सूट सिलवाने हैं, 5,000 रुपए चाहिए मुझे। अम्मी को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं उनके लिए इतनी हसीन बहू का इंतखाब कर चुका हूँ। आख्तर अब चले, देर हो रही है। सुनिए, कम वक्त की मुलाकात तो कसम से प्यास बढ़ाने के बराबर होती है। हेलो। हेलो, ओ ये तो मेरी जान की आवाज है, कैसी है उमा तू? ठीक हूँ मैं अम्मी को बुलाती हूँ। वो फुप्पो साहिबा का फोन आया है सुनने जाकर, और हाँ ज्यादा अपनाइयत से या प्यार मोहब्बत से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं वो क्या बात करना चाहती हैं। पर मुझे तो हैरत इस बात पे होती है, लोग कितने अजीब होते हैं, सब कुछ समझ कर भी अनजान बनकर बैठ जाते हैं। मीस ने कहीं के घुनने। तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई हो तो मैं जाके फोन सुन लूं? हर कोई मुझ पर ही चढ़ दौड़ता है। हुमा, हुमा क्या सोच रही हो? कुछ कहा तुमने? हाँ कहा गुम हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अपनी बेबसी पे उदास हो? बेबसी? कैसी बेबसी? मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने दूंगी, दुनिया उलट पुलट कर दूंगी। शाबाश, ये हुई ना बात। अरे हिम्मत पकड़ो, जिंदगी बार बार थोड़ी मिलती है। ठीक कहती हो तुम, जिंदगी तो वाकई एक ही बार मिलती है ना। ऐसे अगर अम्मी अब्बू ने तुम्हें मजबूर कर दिया तो फिर क्या करोगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अकील से कभी शादी नहीं करूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तुम फिक्र ना कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मुस्कुरा भी दो,
अरे सुनो, लो लो ये रख लो। ये क्या? ये हुमा की शादी में काम आए। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा बैठे ना, मैंने आपसे बड़ी जरूरी बात करनी। हाँ हाँ। अम्मी देखे ना बिलाल को, एक लम्हे का सुकून मुयसर नहीं है इस घर में। अरे भी बात तो पूरी करती जाओ। मैं जरा इस झंझट को नबेड़ लूं, फिर आके बात करती हूँ। ये ले, ये पकड़े, आके लेती हूँ, बताती हूँ आपको। सीनी, तुम इतनी दूर निकल गई देखते देखते और हमें पता तक नहीं चलने दिया। मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। जिंदगी एक ही बार तो मिलती है और वो भी दूसरों के इशारों पे बर्बाद कर दूं, ये कोई अकल वाली बात है? पागल और नासमझ लड़की, ये जो राह चलते आशिक होते हैं ना, इनका कोई एतबार नहीं होता है। पता नहीं तुम्हारी जैसे कितनी महबूबाएं होंगी इन खबीसों की। भाई गाली तो मत दो हुमा। और वैसे भी मैं बच्ची नहीं हूँ और ना ही बेवकूफ हूँ। उसकी मोहब्बत को समझ और उसकी सच्चाई को नाप भी सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मुझे लगता है। तुम्हें पता है, वो कहता है उसके पास बड़ा सा घर है और गाड़ी भी है, लेकिन अभी खराब है, वर्कशॉप पे दी हुई है बनवाने के लिए। ये सेल फोन पर बात करने तक की कहानी तो चलो समझ में आती है, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ निकली कि उससे मिलने मिलाने तक पहुंच गई। तुम्हें डर नहीं लगा सीमी? हाँ पहले थोड़ा डर लगा था, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क में जोर नहीं, मोहब्बत तो मुंह जोर होती है। अब तुम भी कभी चलो ना मेरे साथ, मिलाऊंगी अक्सर से। वैसे मैं तो सिर्फ कॉलेज के गेट तक ही मिलती हूँ, और कहीं नहीं जाती। हाँ, अख्तर कैसा घिसा पिटा नाम है। जब तुम उससे मिलोगी ना, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मुझे क्यों होने लगे उस लफंगे से गिले शिकवे? शिकवा है तो मुझे अपनी बहन से। हम तो तुम्हें बच्चे ही समझते थे सीमी, लेकिन तुम तो शैतान की नानी निकली। अप्पा को पता चल गया ना तो गला घोंटेंगे तुम्हारा। हुमा ऐसे तो ना कहो, तुम्हें पता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगा। हटो यार, वो कहता रहता है और तुम सुनती रहती हो, और मुझे भी अपनी तरह अहमक समझ रखा है क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उसने क्या सच्चाई की डिग्री ले रखी है जो उसकी हर बात पर ही मान ले आती हो। पागल कहीं की। हाँ हूँ मैं पागल, दम घुटता है मेरा। वैसे तो इस माहौल में नहीं रह सकती मैं इस घर में। अब्बा को पता चल गया ना तो अच्छी तरह से तुम्हारी सारी घुटन निकाल देगी। चलो सो जाओ फौरन। लाइट बंद करो। हाँ नासरा, ये तो बताओ आज कैसे रास्ता भूल गए तुम और अखिल? अरे नहीं भाभी, हम तो बहुत दिनों से आने का सोच रहे हैं। ये अखिल है ना, बहुत याद कर रहा था अपने मामू को। भाई जी घर पे तो है ना, और ये बच्चियां भी नजर नहीं आ रही। हाँ सब घर पर हैं। तुम्हारे भाई थक गए थे जरा देर को लेके, मेरा ख्याल है आंख लग गई। कहो तो उठाऊं? नहीं नहीं नहीं, आराम करने दे उन्हें, अभी तो मैं इधर ही हूँ, बच्चियों को बुला लूं। दादिया क्या मैं तुम? वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा इधर तो आ, मेरे पास तो बैठ। नहीं पप्पा को मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ। सादिया को कहो चाय बना दे। जी अम्मा। और बताओ नासरा कैसी गुजर रही है? बस भाभी जैसी गुजर रही थी वैसी गुजर रही। दुआएं आपकी। शुक्र है मालिक। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है सादिया? जी ठीक जा रही है। सादिया तुम्हारी ट्यूशन वाली लड़कियां नहीं आई अभी? आएंगी ना तो उनको दूसरे कमरे में बिठा लेना। जी अच्छी। और जाओ पप्पो के लिए चाय तो बना लाओ। माशाल्लाह। अब नासरा आई हो तो खाना खा कर ही जाओगी ना? अरे नहीं नहीं भाभी, कोई तो कल्लुक नहीं, मेरे भाई का घर है, वहाँ भी आपका खाना है। Can you see this? Yeah. This is the rapid fire round. One of you will win this. This hamper has lots of fun things, and I think it's worth fighting for. So, कैसी हो हुमा? जैसी नजर आ रही हो?
मेरी नजर से तो हमेशा अच्छी ही नजर आती है। आप यहाँ किस लिए हैं? तुमसे मिलने आया था हुमा। अरे अकील मियां, अरे बेटा तुम कब आए? कैसे मामू जान, बस अभी आया हूँ। अरे वाह, बहुत खुशी हुई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तनख्वाह का सुना था, उसमें काफी? तौबा तौबा, अरे कोई घर था? टूटी फूटी सड़कें, तारीख गलियां, घर तो लग रहा था जैसे कोई चूहे का बिल हो। और वहां रहने वाली भी कोई चूहिया से कम नहीं थी अम्मा। तौबा, आने दो सफूरा को, इसकी तो चोटी पकड़ के ना मैं इसको ऐसे झटके दूंगी कि ये झूठ बोलने से पहले 100 दफा मेरे सामने सोचेगी। क्या हो गया अम्मा, लड़की पसंद नहीं है? हाँ तो क्या इतनी देर से तेरे सामने फारसी बोल रहे हैं? वहाँ पसंद आने वाली कोई भी चीज थी? और उस लड़की की माँ तो थानेदारनी थी, थानेदारनी। ऐसे ऐसे सवाल कर रही थी ना, और ऐसे ऐसे कुरेद के तेरे बारे में पूछ रही थी कि अल्लाह माफ करे। क्या उस अमचूर की शक्ल वाली को, कि इस बार किसी अच्छी फैमिली में देखे हमारे लिए रिश्ता। अम्मा वो भाई कई मर्तबा आपका पूछ चुके हैं। हैं? हाय हाय, ये कहाँ से आ गया? राशिद, तूने खाने वाले का पूछा था ना? पूछा था, कह रहे थे बाहर से खा के। लेकिन मेरा क्यों पूछ रहा था? हाय हाय, पता नहीं इस सौतेले से कब जान छूटेगी। हाय माँ, तुम तो चुप करो। राशिद, तूने बताया नहीं उसे? जाके खुद ही पूछ ले उनसे, और ये रिश्ते के बहाने घर घर की तलाशी छोड़े, शादी कराए मेरी, फैसला करे। हाँ, मरा जा रहा कमबख्त कहीं का। मुझे तो लगता है शादी के बाद ये माँ को बिल्कुल ही भूल जाएगा। पहले शादी तो होने दें, ये तो बात की बात है माँ। तौबा है, अरे क्या बोर गुफ्तगु हो रही है, खुदा के वास्ते टीवी चलाओ, कोई नाच गाने का प्रोग्राम आ रहा होगा। एक तो नानी आपके शौक नहीं खत्म होते। ऐसा चप्पल उठा के तेरे मुंह पे मारू ना, मुंह तेरा चप्पल जैसा हो जाए। मैं देखें, तेरे साथ यही होना चाहिए। लगाओ टीवी, अम्मा देखेंगी। लो बेटा, थैंक यू। अम्मा जानी, आप अपनी दवाएं तो ले रही हैं ना? हाँ सब ले रही हूँ। और ये तुम अपना पूरा दफ्तर घर क्यों उठा लाती हो? प्लीज अम्मा जानी, बस कुछ देर की बात है, ये बहुत जरूरी काम है, कर लूँ तो आपके पास आके बैठती हूँ। अब तो मौसम भी बदल रहा है, लेकिन तुमने मेरी शॉपिंग अभी तक नहीं की। अम्मा जानी, कुछ दिनों में मुझे दुबई जाना है, तो मैं आपकी शॉपिंग वहीं से कर लूंगी। हाँ ये ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मुझे ये डल किस्म के रंग जो है ना, बिल्कुल नहीं पसंद है। I like bright and vibrant colors, है ना? वैसे ही लेके आना मेरे लिए। ओके अम्मा जानी, आपके लिए मैं जबरदस्त शॉपिंग करूंगी। और हाँ, कुछ ज्वेलरी भी, अच्छे किस्म के पर्ल्स मिल जाए ना तो वो भी ले आना। अम्मा जानी, आपकी सब चीजें आ जाएंगी, आप फिक्र क्यों करती हैं? वैसे आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप भी मेरे साथ दुबई चली चलें? हाँ रहने दो, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। हाँ तुमने लॉन की हालत देखी है, कितना उजाड़ लग रहा है, ना किसी ने मौसम के फूल लगाए हैं, ना क्यारियों का ख्याल है। अरे अम्मा जानी, आपको तो मालूम है कि मैं कितनी मसरूर रहती हूँ आजकल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अरे हसन, कितना याद कर रही थी मैं तुम्हें। हाँ आप बस याद करती रहे और मैं चला भी आया। जनाब कैसे हैं? अच्छा किया कि तुम आ गए। बस बेटा तुम आ गए, तुम्हारी नानी चंगी भली हो गई। भैया अगर ये बात है तो फिर मैं रोजा जाया करूँगा। अरे बस रहने भी दो, सब मुंह देखे की बातें हैं, वरना इस बूढ़ी रिटायर्ड औरत के लिए तुम्हारे पास कहाँ है वक्त? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सौतेली नानी का प्यार भारी हो गया है? दुनिया कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, नानी तो आप ही रहेंगी मेरी। पता है हसन, ये इसी तरह के जुमले कहकर मुझे भी ब्लैकमेल करती रहती हैं। अरे बेटा अब इस उम्र में हमारे पास रह ही क्या जाता है, वक्त जो काटे नहीं कटता, आंखें अपने प्यारों की राह तकती रहती हैं कि कब उनको दुनिया के झमेलों से फुर्सत मिले तो वो हमारे लिए
थोड़ा सा वक्त निकाल सके हमारे पास आके बैठे। नानी जान, मैं कुछ भी करूं, कहीं भी रहूं, ध्यान तो आप ही की तरफ लगा रहता है ना। हाँ, वैसे तुमने अपने ऊपर खामखा की इतनी जिम्मेदारियां भी तो ले रखी हैं। अपने बाप की गलतियों और कोताहियों को झेल रहे हो तुम। अच्छा सन, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं? मंगवाऊं कुछ नहीं जी, खाना बनवाइए अच्छा सा, आज खाने के मूड में आए हम। अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, हम एक साथ बैठ कर डिनर करेंगे और फिर रात देर तक बातें करेंगे और फिर म्यूजिक सुनेंगे। अरे वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। वैसे हसन, मैं देख रही हूँ तुम कुछ कमजोर से लग रहे हो, अपना ख्याल नहीं रखते तुम। वैसे हसन, अब तुम्हें ख्याल रखने वाली ले आनी चाहिए। क्यों अम्मा जानी? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और वैसे एक दो लड़कियां हैं भी मेरी नजर में। तानी जान, प्लीज। हसन प्लीज, अब बस भी करो। जिसकी खातिर तुमने ये रोक ले रखा है ना, वो तो अपनी दुनिया में मगन है, खुश है, शादी भी कर ली है ना उसने। अब तुम भी शादी कर लो, अपना घर बसाओ और भूल जाओ उसे, बहुत हो चुका है। अब खाना लगवाएं, मैं फ्रेश हो गया था। देखा मां जानी कितनी चालाकी से उसने बात टाल दी। हमेशा इसी तरह से टाल देता है बात को, पता नहीं कब भूलेगा उस लड़की को। वाह जी वाह, आज तो चाय बड़ी जल्दी आ गई। शाइस्ता, अरे इसमें चीनी तो डाल लिया करो, मुझे अभी शुगर नहीं हुई। सादिया जरा चीनी पकड़ाना। तो पूरा वैसे माफ करना, तुम भी चाय नहीं पीती हो, शरबत पीती हो शरबत। ये ले लीजिए। सादिया कैसी हो? जी ठीक। पढ़ाई कैसी हो रही है? जी ठीक। आओ यहाँ बैठो ना। बुरा नहीं मानना, मैं कुछ मशवरा देना चाह रही हूँ कि थोड़ा अपने आप पर भी ध्यान दो, अपने बाल बाल सेट कराओ, पार्लर जाओ। अरे ऐसी ऐसी लड़कियां रोज पार्लर जा रही हैं और बिल्कुल मेम बनकर आती हैं। अरे थोड़ा मोटापे पे तवज्जा दोगी, बाहर निकलोगी, एक्सरसाइज करोगी। अरे वो क्या कहे जो पार्लर जाके करते हैं, वो एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो। मैं जिसे भी तुम्हारी तस्वीर दिखाती हूँ ना, वो ये नहीं कहते और ना ये देखते कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, बस मुंह खोल के कह देते हैं लड़की मोटी बहुत है। अब देखो ना, सारी पढ़ाई पे पानी फेर देते, बस मोटी है लड़की मोटी है, इसी का रोग लग जाते हैं उन लोगों को। आप अम्मी से बात करें, मुझे किचन में कुछ काम। मुझे तो लग रहा है लड़की बिल्कुल ही मायूस हो गई है। बस क्या करूं, इसी की फिक्र खाए जा रही है मुझे। अब देखो ना शाइस्ता, कोई दूसरा तो आके इसे दुबला करने से रहा। अरे लड़कियां खुद हिम्मत करती है तो कुछ होती है ना। अम्मी। हाँ। ये सफूरा यहाँ क्यों आई थी? तुम्हें नहीं मालूम सफूरा हमारे यहाँ क्यों आती? अम्मी आप उसे मेरे लिए मत बुलाया करें यहाँ। यहाँ कौन से रिश्तों की लाइन लगी हुई है जो हमारे सफूरा के बगैर गुजारा हो जाएगा? अम्मी वो यहाँ सिर्फ पैसे बटोरने और बातें करने आती है। वैसे वो बिल्कुल ठीक कहती है, तुम भी कभी पार्लर चली जाया करो, शायद कोई फर्क पड़ जाए। नहीं, मैंने कहा ना आप उसे यहाँ मेरे लिए मत बुलाया करो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत ढील दे रखी है, हर मामले में बोलती हो तुम। कभी देखा है तुमने हुमा और सिमी को मेरे सामने ऐसे बड़बड़ के बोले? पता नहीं कैसी तालीम हासिल कर रही हो तुम, तमीज ही भूल गई हो। नहीं, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती। तो बुढ़ी हो जाओगी तब शादी करोगी, अभी तो कोई मिलता नहीं है, तो फिर कौन से रिश्ते आएंगे? देखो बेटा, ये काम माँ बाप के तय करने के होते हैं, हमें अपना काम कर लेने दो, जब हम नहीं होंगे ना फिर जो जी चाहे वो करें। अम्मी मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर है,
उसके बाद मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अब्बू का हाथ बटाना चाहती हूँ, इस घर के हालात बदलना चाहती हूँ। वो तो सब कुछ ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। नजमा आई थी आज, कह रही थी उसकी भांजी ट्यूशन पढ़ना चाहती है। मैंने उसे कहा है कल आके तुमसे बात कर ले। और सुनो, उसका बहनोई अमेरिका में रहता है, अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, ठीक ठाक फीस लेना। अरे वाह 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 वाह, देख रहा है, वाह क्या बात क्या बात है। अरे आ जल्दी देख, डांस के नाम पे कैसी छलांगे मार रही हैं निगोड़ियां। अम्मा तुम सोई नहीं अभी तक? ये कौन सा सोने का वक्त है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। नानी आपको डांस क्लास नहीं आता क्या? चुप कमबख्त, शर्म नहीं आती तुझे नानी से इस तरह की बातें करते हुए? और तुम भी अम्मा, तौबा है, कुछ तो अपने सफेद बालों का ख्याल कर लो, बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाती हो। और तू आंता, अगर ये खराफात इस घर में लेकर आया ना तो मैं तेरी सारी सीडीज को गैराज में रख के आग लगा दूंगी। अरे अल्लाह मियां, ये लड़की का कद काट देख के मुझे तो अपनी जवानी याद आ रही। देखो मेरी नानी कितनी जिंदा दिल है। तुम लोगों के साथ मुझे अब जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। किधर है ये, कहीं और से नहीं चलेगा? कोशिश कर 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 कर। मेरे ख्याल जान, आज कितने दिन बाद हम इस तरह बैठे हैं, लेट नाइट बातें कर रहे हैं। आपको याद है जब हम लैला के सामने शायरी की बातें करते थे तो कितना चिढ़ती थी, कहती थी एक तो ये शायर हमेशा उदास रहते हैं और दूसरों को भी रुलाते रहते हैं। हर बात में याद करते हो उसे? मुझे पूरा यकीन है कि याद तो वो भी मुझे करती है, बस तकदीर ने उसको एक ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया है जहां मेरा नाम अपनी जबान पे ला नहीं सकती। हसन, क्या इसी तरह जिंदगी गुजार दोगे अकेले और उदास? कल जान मैं हमेशा अपने मामलात में फेयर रहा हूं, दिल में किसी को रखकर हाथ किसी और का थाम लिया जाए ये हो नहीं सकता, मुश्किल बात। बात सुनिए, नानी यहाँ की आवाज भी नहीं आ रही, कहाँ है, जल्दी सो गई क्या? अरे भाई जल्दी कहाँ, वो तो रात 10 बजे तक सो जाया करती है, तुम्हारी वजह से इतनी देर बैठ गई, वरना सोती नहीं है तो 10 बजे तक कमरे में जरूर चली जाती है। आपके साथ बातों में टाइम को पता ही नहीं चला, चले भाई मैं भी चला। अच्छा चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। क्यों, आपको यकीन है कि मैं वापस आ जाऊंगा? हसन आते रहा करो, हम दोनों का तुम्हारे सिवा है ही कौन। मेरा भी कौन है, तुम्हारे आने से रौनक आ जाती है। ओके खुदा फिर, खुश रहो। हाँ सर मैं बोल रही हूँ, क्या हुआ है तुम? मैं तुम्हें रात को भी कॉल कर रही थी, तुम रिसीव ही नहीं कर रहे थे, बिजी हो? अच्छा मजे हैं भाई तुम्हारे तो। हाँ भाई सारे खेल पैसे के हैं, तुम अफोर्ड कर सकते हो। अब हाँ मैंने घर में जिक्र सिर्फ अपनी बहन से तुम्हारा किया है। अरे नहीं नहीं मेरी बहन तो मेरी दोस्त जैसी है। अब वैसे जब प्यार किया तो डाटा क्या? मेरी बहन से बात करोगे? अरे नहीं नहीं इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अच्छा ठीक है ओके बाय। मुझसे बात नहीं करना चाह रहा होगा ना? हाँ वो शर्मा गया ना। अख्तर है या अख्तरी भाई? क्या मतलब है तुम्हारा? खानदानी है, शरीफ लड़का है। कहीं ऐसा ना हो कि ये शरीफ लड़का अपने अब्बा मियाँ की मर्जी के आके सहरा बांध कर चल दे।
सच कहूं तो ये टेलीफोनिक इश्क मुझे कुछ खास नहीं भाता। मैं बेवकूफ नजर आती हूँ तुम्हें? सच सुनना चाहती हो? तो हाँ, मुझे तुम्हारी अकल पे कुछ खास भरोसा नहीं। अच्छा ठीक है, चलना मेरे साथ, मिलवाऊंगी अख्तर से, फिर खुद ही फैसला कर लेना। कहाँ मिलती हो तुम उससे? टूर पर, एक दो मिनट की मुलाकात करते हैं बस। इससे आगे बढ़ना भी मत। ठहरे, मैं आपकी बात करवाती हूँ उससे। बेल जा रही है। लो ये रख लो। अरे ये क्या, मैं तो सोच ही रही थी अपने लिए नए जोड़े बनाने का, अल्लाह ने कैसे सुनी। जोड़ा भी करने काम आ जाते। हाँ जी, आपकी मेहनत की कमाई मुझ पर खर्च हो, आपको ये भला क्यों अच्छा लगेगा? ये ले रखे आप अपने पास ही। नहीं बनाती अपने जोड़े, जब से इस घर में आई हूँ ना, जरा जरा सी चीज को तरस गई। किस्मत ही ऐसी तो बात हुई कि रूप की रोए करम की खाए। शाइस्ता, मेरी बात का ये मतलब तो नहीं था। मैं जो कुछ कमाता हूँ वो तुम्हारे हाथ पे ला के तो रखता हूँ। मैंने कभी पूछा है कि तुम कैसे खर्च करती हो, कहाँ खर्च करती हो? भाई तुम इस घर की मालकिन हो, तुम जैसे चाहो घर चला सकती हो। मैं ये ख्याल था कि बाद में तंगी भी तो तुम ही उठाती हो ना। सादिया के पास दो और लड़कियां आई हैं ट्यूशन के लिए, मैंने तो कहा है कि भाई ठीक ठाक रकम लेना उनसे। बहुत मेहनत करती है सादिया बेचारी, ट्यूशन भी पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती है। और ये बिलाल कहाँ चला गया, घर पे है या फिर दोस्तों के साथ बाहर निकल गया? बाहर गया है, और पता है मैंने ही भेजा उसे। आप ही मेरी बात सुने, जरा उससे नरमी से पेश आए, हमारा एक ही एक बेटा है, उससे जरा प्यार मोहब्बत से बात किया करें आप। मारे इसी बेजा लाड प्यार ने तो उसे बिगाड़ के रख दिया। अम्मी कहाँ पर है आप? जरा जरा सी बात पर बुला लेते हैं ये मुझे। इधर हूँ बेटा। अम्मी वो, अम्मी मुझे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए किस लिए चाहिए? कॉलेज जाके फिर समोसे खाने तुमने? नहीं है मेरे पास। लेकिन अम्मी मुझे चाहिए ना, मुझे काम है। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया तुम्हें अचानक? अम्मी मैं कॉलेज नहीं गई थी ना, तो मुझे नोट्स फोटो सेंड करवाने हैं। अभी दे दो ना, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा। हाँ। अच्छा बाबा ये लो पकड़ो। थैंक यू अब्बू। जो इसकी पढ़ाई है ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ एक मिनट पेन देना, पेन। हाँ जीरो फोर टू, ठीक है ओके। उमा जरा मुझे एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अपना काम खुद करें, वैसे भी मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। सीमी बाजी लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम चले? नहीं नहीं तुम लोग अपना टाइम मत वेस्ट करो, वैसे ही बस जरा थकन की वजह से सर में दर्द हो रहा है, आजकल मौसम भी कुछ अजीब सा हुआ हुआ है। चलो तुम लोग अपना काम करो, चलो। आप मेहनत भी तो बहुत करती हैं, हमारी अम्मी मिसालें देती हैं आपकी। खुदा खुश रखे, शाद आबाद रहो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं करूंगा घर में बात भी, शाइस्ता कड़वी जबान की जरूर है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हाँ मैं जानता बाज औकात इंसान औलाद के हाथ में बहुत मजबूर हो जाता है। ठीक है अच्छा खुदा हाफिज। किससे बातें हो रही थी? शाइस्ता कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाता है।
क्या हो गया है, खुल के बात करो ना, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? सच्ची बहुत उलझन होती है मुझे। नहीं, वो नासिरा का फोन था। अकील उसका इकलौता बेटा है और वो उसकी आरजू पूरी करना चाहती है। फिर से वो हुमा के रिश्ते की बात कर रही है। लो, हमारी बच्ची ना हो गई, शोकेस में पड़ी हुई गुड़िया हो गई। साहबजादे ने देख लिया, पसंद कर लिया और माँ ने वादा कर लिया कि मैं दिलवा भी दूंगी। आप भी ना बहन के बच्चों का सोचते हैं, अपनी औलाद का ना सोचें। तो तुम्हारा ख्याल है कि मुझे अपनी औलाद का कोई एहसास नहीं? भी नासरा कहती है सिर्फ हाँ कर दे और जब तक कोई रस्म नहीं करेंगे या शादी भी नहीं करेंगे जब तक कि सादिया का रिश्ता नहीं हो जाता। बड़ी फिक्र है ना उसे सादिया की। वो अकील की वजह से मजबूर है और मैं हुमा की वजह से मजबूर हूँ। अकील हुमा से शादी करना चाहता है लेकिन हुमा अकील का नाम भी सुनना नहीं चाहती। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपनी बहन और भांजे की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे अपनी औलाद का कोई एहसास नहीं? अम्मी, मेरे ख्याल में अब्बू ठीक कहते हैं। आजकल के दौर में अच्छा रिश्ता मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है। फिर ऊपर से जो घर के हालात हैं, ऐसे मुझे लगता है ये रिश्ता मुनासिब ही रहेगा। वैसे भी नासरा फूफो तो हमारी रिश्तेदार है, वो हमसे कोई मुतालबा थोड़ी करेंगी। हाय मेरी हुमा, क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने उसके लिए। सोचा था शहजादियों जैसी दिखती है, कहीं ऐसी जगह ब्याहूंगी जहाँ शहजादी बनकर रहेगी। हाय हाय, क्या सोचा था और क्या होने जा रहा है। अम्मी, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, मुझे यकीन है हुमा वहाँ बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह। नहीं, मुझे यकीन है कि वो कभी खुश नहीं रहेगी, बस सारी जिंदगी अपने अरमानों का गला घोट कर गुजारेगी। खुदा भी ना जब गरीबों के घर में बेटियां देता है बहुत ज्यादती करता है। देखो कहाँ अकेले और कहाँ मेरी हुमा, कोई जोड़ है भला? एक आंख निभाता मुझे वो लड़का। अम्मी, आप हुमा को समझाएंगी तो वो मान जाएगी। ना भी मानी, बाप की बात तो मानना पड़ेगा। और बाप भी क्या करे। अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने ख्वाबों को जलता हुआ नहीं देख सकती हूँ। माँ, तुम समझने की कोशिश तो करो। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि अप्पू को ये पट्टी किसने पढ़ाई है और इस घर में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। माँ, तुम गलत समझ रही हो। अहमक नहीं हूँ मैं, सब दिखाई देता है मुझे और सब समझ में आता है। तुमने क्या सोचा था अभी कि चार क्लासेस ज्यादा पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत अकल आ जाएगी, तुम कोई भी चाल चलोगी और हमें समझ में नहीं आएगा। अब्बू ने तो पुप्पो को साफ साफ इनकार कर दिया था ना, जवाब दे दिया था ना अब्बू ने पुप्पो को। फिर अब ये नई राह किसने दिखाई है अब्बू? किसने अब्बू के दिमाग में एक बात डाली है? तुमने आप ही, सिर्फ तुमने। तुम्हें तो हमेशा से ही वाह वाह समेटने का शौक है ना। अब अब्बू की नजर में अपना मकाम बढ़ाने के लिए कुर्बानी का रोल प्ले करने जा रही हो। हुमा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अब्बू ने मुझे कुछ नहीं कहा ना, मैंने अब्बू से कुछ कहा है, मुझे तो ये सब कुछ अम्मी ने बताया है। अच्छा, तो फिर जाओ और जाकर कह दो अब्बू से कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है और वो मेरी फिक्र ना करे। जाओ, अब जा क्यों नहीं रही हो, बोलो जाके अब्बू को। मैं अब्बू से ऐसा कुछ नहीं कह सकती। क्यों, क्यों नहीं कह सकती? आपकी तो अब्बू बहुत सुनते हैं। हमें कुछ तो अब्बू का एहसास करना चाहिए। हुमा, अगर तुम हालात को खुली आंखों से देखोगी तो तुम्हें रिश्ता बुरा नहीं लगेगा। आखिर क्या खराबी है अकील में? मेहनती है, शरीफ है, ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब्बू की बहन है, हमारी अपनी है। मुझे अम्मी जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी, घिसट घिसट कर, घुट घुट कर। अगर ऐसा है ना तो मुझे शादी ही नहीं करनी है। हाँ, हुमा ठीक कह रही है,
ऐसी शादी से तो अच्छा है कि इंसान शादी ही ना करे। तुमने जो कुछ कहना है जाकर खुद अम्मी से कह दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ हाँ कह दूंगी मैं अम्मी से जो कुछ भी मुझे कहना है, डरपोक नहीं हूं मैं, अपने हक के लिए लड़ सकती हूँ मैं। बिलाल जी। जी अब्बा। तुम सोए नहीं हो अभी तक? वो अब्बा बस ये पढ़ रहा था अभी, बस पढ़ाई से फारिग हुआ हूँ बस, तो सोचा टीवी देख। सो जाओ और टीवी बंद करो। सुबह कॉलेज नहीं जाना? जी अब्बू बस सो रहा हूँ। बंद करो ये। तक सोई नहीं हो बेटा? अब्बू वो कुछ नोट्स बना रही हूँ। क्या सोच रही हो बेटा? बस अब्बू वो। मैं जानता हूँ बेटा तुम क्या सोच रही हो। हुमा की बातों से परेशान हो ना बेटा। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं दिया करते, हिम्मत से काम लो बेटा। हुमा अभी ना समझ है, अभी दुनिया के रीत रिवाज का उसे कुछ पता नहीं, इसीलिए उस पर हमारी बातों का असर नहीं होता। लेकिन भरोसा रखो बेटा, एक दिन वो जरूर समझ जाएगी। जी अब्बू। लेकिन मैं अपनी बेटी को इस तरह से उदास और गुमसुम नहीं देख सकता। समझ गई ना? बस इसी तरह खुश रहो। चलो सो जाओ। अबू एक सवाल हल कर लूं फिर सो जाऊंगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे बेटा। हाँ जीते रहो। जीते रहो बेटी। आ जाओ भाई आ जाओ, कितनी देर लगाओगे? नाश्ता ठंडा हो रहा है फिर तुम्हें देर भी हो रही है। चलो आ जाओ। शाबाश। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। नाश्ता तो कर लो बेटा। नहीं मैं वहीं से कुछ ले लूंगी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम वहां पर कुछ भी नहीं खाती हो, अब क्या सारा दिन भूखी रहोगी? अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं अख्तर यहाँ पर बहुत लोग हैं। कोई भी तो नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं देखेगा तुम्हें। अगर तुम चाहो तो वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। सारी उम्मीदें अब तुमसे हैं। तुम्हें इस घर का बेटा बनके मेरा साथ देना होगा। वैसे मेरे राशिद के साथ खूब जचेगी ये। पसंद आ गई है ना? बड़ी वेलियो वाली है।
मैंने कहा ना आपसे बदतमीजी मत करें। अकील, आपको तो चाहिए कोई हमारे जैसे ही घराना ढूंढे। अरे साधिया, पहले मिल तो लो, आने तो दो उन लोगों को, दिल में बस वैसे क्यों रखती हो?